आप भी कर सकते हैं अपना पूरा का पूरा सिलेबस याद, कैसे जाने किस सीरीज में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी अप्रोच सीख रहे हैं जिसका नाम है विवेकानंदा सिस्टम, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद। तो पढ़ने से पहले का जो ये सेगमेंट है, जो ये सेक्शन है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने 6 वीडियो बनाए, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे उस सेक्शन के बारे में, उस सेगमेंट के बारे में कि पढ़ने के दौरान वो कौन कौन से क्रांतिकारी स्टेप्स है, वो कौन कौन से साइंटिफिक स्टेप्स है जो हमें लेने चाहिए, ताकि कुछ भी याद करना, याद रखना और वक्त पर रिकॉल करना बेहद आसान और प्रभावी हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पढ़ने के दौरान सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा क्या होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ किससे पहले, वो जो पढ़ने से पहले की तैयारियां हैं वो आप करके बैठेंगे, आप अपना टाइम और प्लेस फिक्स करके बैठेंगे, यानी कि एक फिक्स प्लेस पे, एक निर्धारित समय पे बैठेंगे। साथ ही जब आप पढ़ाई करेंगे तो पानी की बोतल आपके पास में रहेगी और आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपको भूख नहीं लगे, कुछ कुछ आप खा के बैठे ताकि आपका ब्रेन हाई एनर्जी लेवल पे रहे। और जैसे ही आप अपनी स्टडी टेबल पे बैठते हैं, आपका अपने आप से क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट एंड व्हाई, मुझे आज क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ताकि आपका माइंड सेट हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे ही स्टडी टेबल पे बैठे, जैसे ही बुक सामने है, आपको अपने मन को बताना है कि आज मैं क्या पढ़ने वाला हूं और ये पढ़ के मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होने वाला है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट यानी कि क्या लर्निंग, आपकी लर्निंग कितनी इंप्रूव होने वाली है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप किस टारगेट को अचीव करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो व्हाट एंड व्हाई, जैसे स्टडी टेबल पे बैठे अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने आप को आंसर दो, आपका मन सेट है, उसके बाद अपना वो जो सेशन है वो शुरू कीजिए। तो जैसे ही आप स्टडी टेबल पे बैठे, आपने अपना व्हाट और व्हाई, अपने आप को क्वेश्चन किया, अपने आप को आंसर दिया, उसके बाद वो जैसे ही आपने चैप्टर खोला, तो वहां पे दो कर्म होते हैं, दो चीजें होती है। एक है कि आप उस चैप्टर को समझना चाहते हैं, एक है कि उसी क्वेश्चन आंसर आपको याद करना। तो जैसे ही मान लीजिए आपको वो चैप्टर समझना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आज मुझे कितना समझना है और कितनी देर में समझना है। कितना समझना है, कितनी देर में समझना है, मान लीजिए कुछ आप याद करना चाहते हैं, तो कितना याद करना है, कितनी देर में याद करना है। सिंपली अगर मैं बोलूं, आपको अपने ब्रेन को एक टारगेट देना है, गोल देना है। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब एग्जाम आता है तो आपको क्रिस्टल क्लियर होता है कि उस पर्टिकुलर डेट को मेरे एग्जाम है, ठीक है, और आप ये भी जो गैप है आप ये भी देख लेते हैं कि एग्जाम से पहले कितने दिन बचे हुए हैं और कितना सिलेबस बचा हुआ, ये सब कुछ आप मेजर कर लेते हैं। आप देखते हैं कि आज मुझे कितना कवर करना है, कल मुझे कितना पढ़ना, परसों मुझे कितना पढ़ना, इस घंटे में मुझे कितना पढ़ना है। तो ये जो गैप है, जो दिन बचे हुए हैं और एग्जाम से तुरंत जस्ट पहले, वो सारा का सारा आपका सिलेबस विद रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, पूरे साल भर अपने पढ़ाई की, रिवीजन की, तब वो चीज, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। एग्जाम से ठीक पहले ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं, परिणाम आने वाला है, और उस टाइम पे आप अपने ब्रेन को हर घंटे का टारगेट देते हैं, हर दिन का टारगेट देते हैं, ठीक है। तो ब्रेन को जब टारगेट मिलता है तो ब्रेन उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करता है, ब्रेन टारगेट्स पे काम करता है, ब्रेन गोल्स पे काम करता है। इसलिए एग्जाम से पहले नहीं, पूरे साल जब भी आप पढ़ें, कुछ भी आप पढ़ें, कुछ भी आप समझें, कुछ भी आप याद करें, अपने ब्रेन को एक टारगेट दे, इतना पढ़ना है इतनी देर में पढ़ना है, इतना समझना है इतनी देर में समझना है, इतना याद करना है इतनी देर में याद करना है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, आपके ब्रेन को टारगेट मिलेगा, और जैसे ही ब्रेन को टारगेट मिलेगा, ब्रेन उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करता है। दूसरा बेनिफिट ये होगा, आपको आपकी एफिशिएंसी, आपको आपकी ताकत, आपकी पावर, आपकी क्षमता का ज्ञान होगा कि कितनी देर में आप कितना पढ़ सकते हैं, कितनी देर में आप कितना समझ सकते हैं, कितनी देर में आप कितना याद कर सकते हैं। और जब एक बार अगर आपको आपकी ताकत का अंदाजा हो जाता है तो आप लगातार उसको इम्प्रूव करते रहे, लगातार उसको इम्प्रूव करते रहे। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, मान लीजिए जैसे उसने बोल्ड है, उसने रनिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, या माइकल फेल्प्स है, उसने स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो उसको इतना पता है इतने सेकंड में मैं इतना तैर सकता हूँ, या इतने सेकंड में मैं इतना
भाग सकता हूं, दौड़ सकता हूं। तो हर दिन वो उसमें और बेटर और बेटर और बेटर होने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे एग्जैक्ट पता है उसकी पावर्स का। तो आपको भी एग्जैक्ट पता होना चाहिए आप कितनी देर में कितना पढ़ सकते हैं, कितनी देर में कितना समझ सकते हैं और कितनी देर में कितना याद कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको पता चलता है तो आप उसको धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं। अच्छा, इसे और बेटर करना, इसे और बेटर करना, इसे और बेटर करना। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ना तो आपको आपकी पावर्स का, आपकी ताकत का, जो आपकी क्षमता है उसका सही ज्ञान आपको पता ही नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए क्या आपको पता है आप एक घंटे में कितना याद कर सकते हैं और कितना याद रख सकते हैं, एक घंटे में आप कितना समझ सकते हैं, कितने आपके अंडरस्टैंडिंग पावर है, क्या आपको आइडिया है, कमेंट करके बताइए। हाँ तो यस में, नहीं तो नो में, प्लीज बताइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेपरेट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि इंडिया के कोने कोने में हर बच्चे को ये टेक्निक्स मिल जाए। और अगर आप इसके बारे में, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि एक वीडियो से दूसरा वीडियो बनता है, अगर इसमें कुछ ना कुछ डाउट होगा, कुछ ना कुछ आपके मन में क्वेश्चन होगा, जैसे एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि जब सिलेक्शन का प्रोसेस करें हम, तो जो आपने एफिशिएंसी की बात की, ठीक है, तो उसको कहाँ पे हम लिख के देखें, कहाँ पे हम उसको नोट डाउन करें या कुछ भी, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मन में भी आएंगे। जैसे मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही बनेगा ना कि ठीक है सर, आपने बताया कि इससे एफिशिएंसी, हम अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो कहाँ पे नोट डाउन करें। तो इसका मेरा जो आंसर होगा, वो एक लॉग बुक बनाइए, एक लॉग बुक मेंटेन कीजिए, उसमें डेट डालिए और उसमें देखिए आज कितना पढ़ा, कितनी देर में पढ़ा, और उसके सामने उसकी टाइमिंग पूरा का पूरा आप लिख रखिए।